Hello everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are preparing well for the upcoming IFSCA Grade A Officer exam. So today I am going to share a detailed strategy with you कि हर एक टॉपिक को सिलेबस के कैसे कवर करना है. ठीक है, सो ऑलमोस्ट हमारा फेज वन में जो टाइम बचा है वो बचा है हमारे पास 1 month, राइट. एंड उसके बाद जो फेज टू होगा वो होगा ऑलमोस्ट 1 month के बाद. तो डायरेक्टली जंप करते हैं अपने फेज वन के ऊपर. तो फेज वन में हमारे पास है टू एग्जाम्स, टू पेपर्स, पेपर वन एंड पेपर टू. तो जो मैंने स्ट्रेटेजी क्रिएट करी है उनको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. कौन कौन से? द फर्स्ट वन, वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द आरबीआई, सेबी, नबार्ड या फिर उन्होंने लास्ट टाइम पीएफआरडीए की प्रिपरेशन करी थी, राइट. अब दूसरी साइड वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो फर्स्ट टाइम ये एग्जाम दे रहे हैं या जो पहले आईबीपीएस वगैरह एग्जाम्स देते थे, राइट. क्योंकि जिन्होंने कॉमर्स और फाइनेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या मैनेजमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं पढ़ा हुआ, राइट. तो सबसे पहले आते हैं ऑन फेज वन, पेपर वन. फेज वन पेपर वन में हमारी चार टॉपिक्स हैं, दैट इज इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जीए इन फाइनेंस, राइट. अब एक चीज हमें माइंड में रखनी है कि जो हमारा फेज वन है वो है क्वालिफाइंग इन नेचर, राइट. क्वालिफाइंग इन नेचर है तो हमें सिर्फ 30% मार्क्स लाने हैं फेज वन पेपर वन में टू क्वालिफाई द एग्जाम. अब जो ये एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि हमें तो यहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम इतना क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या करंट अफेयर ऑलरेडी साथ साथ पढ़ रहे होंगे अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. अब जो स्टूडेंट्स एक गैप के बाद आ रहे हैं या फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अब उनको भी इन डेप्थ इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है. रीजन बिंग मैंने अभी बताया कि ये हमारा क्वालिफाइंग एग्जाम है. तो इधर आपको क्या करना है, देखो इंग्लिश मेरे को लगता है हम इजिली टैकल कर लेंगे. क्वांट में हम डीआई पे फोकस कर सकते हैं या फिर कोई भी इजी टॉपिक्स जो प्रॉफिट एंड लॉस, असर्शन, हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में ही सिंपली समझ लेंगे किसी भी यूट्यूब सोर्स से, राइट. फिर आता है रीजनिंग. रीजनिंग में भी हमें डिटेल में नहीं जाना, बेसिक कवर कर लेंगे, राइट. अब आता है जनरल अवेयरनेस, दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंस. इसको हमें इन डेप्थ में स्टडी करना है. क्यों? क्योंकि ये टॉपिक हमारा पेपर टू में भी पूछा जा सकता है फेज वन में, और चांसेस हैं जो कि हमारे आईएफएससी से रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे, फाइनेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे, वो फेज टू में भी पूछे जाए. तो इस टॉपिक को आपको डिटेल में कर लेना है, इन दोनों को बेसिक्स, और ये आई थिंक आपको आता ही होगा, आप इजिली क्रैक कर लोगे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, ठीक. तो इसमें भी आपको ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना, बस आपको याद रखना है कि आप 30% क्वालिफाई कर सको. ये हो गया हमारा फेज वन का पेपर वन, और इनके लिए ये तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं, राइट. फिर बात करते हैं फेज टू के पेपर टू के टॉपिक्स की. तो फेज वन का पेपर टू का सबसे पहले आता है हमारे पास जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स इन दी फाइनेंशियल सेक्टर. तो जनरल नॉलेज में हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, दैट इज साइंस, हिस्ट्री एंड नॉलेज, टाइम वेस्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा फेज वन ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, और पेपर टू में आपको लाने हैं 40% मार्क्स मिनिमम, राइट. अब करंट इवेंट्स में फाइनेंस में जो आरबीआई वाले स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी अप टू डेट रह रहे होंगे इन सारी चीजों से जो कि हमारे हो गए करंट इवेंट्स और जो स्कीम्स हो गई पीआईबी वगैरह ऑलरेडी देख रहे होंगे. अब जो सेबी वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा फोकस नहीं करते इन टॉपिक्स पे, बट आपको यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा जो करंट अफेयर्स हैं और जो गवर्नमेंट्स की स्कीम्स हैं उनसे अप टू डेट रहना पड़ेगा. और खासकर फोकस रखो अपना जो फाइनेंस से रिलेटेड स्कीम्स आ रही हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स आ रहे हैं,
वो भी प्रिपेयर करो. आई एम टॉकिंग अबाउट सेबी स्टूडेंट्स. एंड सेम अप्लाई फॉर जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं. तो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स को भी क्या करना है, जो करंट अफेयर्स हो गए हमारे, जो कि हमारे फाइनेंस से रिलेटेड हो गए, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, जो फाइनेंस से रिलेटेड हो गई, आप उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हो. फिर उसके बाद जो अदर रिमेनिंग करंट इवेंट्स हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, उस पर आपको फोकस करना है. राइट, समय आ गया, चलें आगे. अब इसमें एडवांटेज क्या होगा सभी वाले स्टूडेंट्स को, अगर बाय चांस इन फ्यूचर वो चाहे तो आरबीआई का एक एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. अब फेज वन के पेपर टू में नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है ESI, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. सेम आरबीआई के लिए तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आरबीआई में ये सारे टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, तो वो तो इन डेप्थ बिल्कुल स्टडी कर रहे होंगे. अब सेबी वाले स्टूडेंट्स ने भी ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हुए, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. जो सेबी में इकोनॉमिक्स आती है, दैट इज रिलेटेड टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, उनमें ये सारे टॉपिक्स कवर नहीं होते. तो ये टॉपिक्स हमें कवर करने पड़ेंगे. अब सेबी वाले स्टूडेंट्स और जो फर्स्ट टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे जो अदर स्टूडेंट्स हो गए, हमें क्या करना है, हमें पहले फोकस करना है जो उनसे डिटेल टॉपिक्स इन्होंने दे रखे हैं, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, ठीक, या 5-year प्लान्स. अब इंडियन इकोनॉमिक की बात करें या ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, ग्लोबल इकोनॉमी तो फिर भी छोटा टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो बहुत वास्ट हो जाता है. तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम उठा सकते हैं आरबीआई का सिलेबस. तो आरबीआई के जो एग्जाम आ रहा है, हमें अब आरबीआई का जो सिलेबस है हम उसको उठा के जो उनके ESI वाला पोर्शन है उसको इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन है उसको कवर कर सकते हैं हम वहां से. राइट, ये हमें करना है सेबी वाले स्टूडेंट्स को. और अपना जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने मैनेजमेंट और फाइनेंस इससे रिलेटेड कॉम्पिटेटिव आरबीआई सर्विस रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं दिए हैं, ठीक, ज्यादा इनडेप्थ में नहीं जाना. इनडेप्थ में क्यों नहीं जाना, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो आपके फेज वन पेपर टू में आ रहे हैं ये फेज टू में नहीं पूछे जा रहे. तो सिर्फ हमारा टारगेट हुआ कि हम फेज वन को क्वालिफाई करें, ठीक. हाँ, अगर आप सेबी के साथ आरबीआई के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आप इनडेप्थ में जा सकते हो. फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी. अब इधर एडवांटेज हो जाता है हमारे पास सेबी वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनको ये टॉपिक्स ऑलरेडी आते हैं या उन्होंने ऑलरेडी ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, अब उनको करनी है सिर्फ रिवीजन. सेम बात पहले वाली चीज भी ESI में भी, आरबीआई के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको रिवीजन जरूर करनी है. ये नहीं कि हमने बहुत टाइम पहले पढ़ा था या बहुत टाइम पहले प्रिपरेशन करी थी, इट्स डन फॉर अस, यू हैव टू रिवाइज ऑल ऑफ दैट टॉपिक्स, ठीक. अब सेबी वाले स्टूडेंट्स को तो ये आता है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, बचे आरबीआई वाले एंड जो अदर्स वाले. अब इधर मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं. अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है और अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, देखो अगर कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आपके लिए ये टॉपिक्स उठाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा. तब आपको क्या करना है, आपको सेबी का सिलेबस ओपन कर लेना है और उस सिलेबस को कवर कर लेना है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के, क्योंकि वैसे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी देखें तो बहुत ज्यादा इनडेप्थ हो जाएगा, डेप्थ हो जाएगा. आपको सेबी का सिलेबस कवर कर लेना है प्लस बेसिक जो रिवीजन कर लेनी है जो हमने 11th एंड 12th में पढ़ा वो आपको रिवाइज कर लेना. तो सेम सेबी वालों के लिए भी ऑलरेडी पढ़ चुके थे उसको रिवाइज कर लेना है और 11th 12th वालों को भी रिविजन कर लेनी है. अब बात आती है जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है स्टूडेंट्स, उनके लिए टॉपिक पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और बहुत ज्यादा डिटेल्ड होते हैं हमारा कॉमर्स अकाउंटेंसी. अगर आपको डेबिट क्रेडिट में से रूल्स ही नहीं पता तो हाँ, इसमें हम ज्यादा अपनी माथा कपची नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, हम जो बेसिक टॉपिक्स है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से रिलेटेड वी विल स्टडी दैट ओनली. अब उसमें जैसे बेसिक्स कौन से हो गए, हमने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ लिए, सेकेंड चीज हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ ली, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट्स पढ़ ली, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ लिए, फिर हमने रेशियो एनालिसिस पढ़ लिया. ऐसे जो बेसिक टॉपिक्स हैं वी विल कवर दैट ओनली, ठीक, समझ आ गया. एंड सेम थिंग विल अप्लाई फॉर कॉस्टिंग आल्सो. तो अगर मैं बात करूं कॉस्टिंग की, कॉस्टिंग में भी यही होता है, सेबी स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस.
आरबीआई वालों ने ये नहीं पढ़ा हुआ और जो फर्स्ट टाइम है उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। आपको क्या करना है, कॉस्टिंग को अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है देन यू कैन टेक सिलेबस ऑफ सेबी और उसको कवर कर लेना है। अगर नहीं है देन ऑल्सो वी हैव टू गो फॉर बेसिक कंसेप्ट से जितना हो रहा है। रीजन बींग अभी बताया कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, तो ये ना हो कि हमने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में अपना 5 से 6 दिन लगा दिए या 7-8 दिन लगा दिए और बाकी टॉपिक्स पढ़े ही नहीं, तो वो बेकार हो जाएगा। इतना कोई फ्यूचर में भी इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज नहीं है, राइट? ठीक, ये होगी कॉस्टिंग की बात। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने पास अपना मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आरबीआई सेबी वालों ने दोनों ने पढ़ा हुआ है। अब एक चीज आप मेक श्योर कर लेना कि जो आपका सिलेबस है, जैसे सेबी वाले स्टूडेंट है, क्या आपका आरबीआई का सारे टॉपिक्स कवर्ड है या नहीं है। और जो फर्स्ट टाइम भी दे रहे हैं, जो सेबी के अंदर टॉपिक्स हैं, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, जो सेबी के अंदर टॉपिक्स हैं, आप एटलीस्ट वो तो कवर कर लीजिए सारे। सेबी वाले स्टूडेंट्स अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए। हाँ, अगर आपके पास बाद में टाइम बच रहा है तो जो अदर टॉपिक्स बच जाते हैं मैनेजमेंट के अंदर, लाइक परसेप्शन वगैरह, वो सारे टॉपिक्स जो सेबी के सिलेबस में नहीं है वो आप कवर कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी अभी इतनी नीड नहीं है। तो जो आपका सिलेबस है उसको आप फोकस करिए, ठीक है? फोकस रखिए, जो जो 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं मैनेजमेंट के वो आप एटलीस्ट जरूर कवर कर जाइए, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, तो ये सारे टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस रखिएगा, ठीक? फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास फेज 1 पेपर 2 में लास्ट टॉपिक, दैट इज फाइनेंस। अब इस टॉपिक को हमें करना है कवर डिटेल में, रीजन बिंग आरबीआई सेबी में तो ऑलरेडी कवर हो रहा है। अब इसमें सेबी वाले स्टूडेंट्स को खास कर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जो सेबी का सिलेबस है फाइनेंस का, वो लिमिटेड है एज कंपेयर टू आरबीआई। तो आपको एक बार आरबीआई का सिलेबस उठाना है और जौन से टॉपिक्स बचे हैं उनको भी कवर कर लेना है, जैसे फिनटेक, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, वो सारे टॉपिक्स, राइट? सेम जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको क्या करना है, आरबीआई का सिलेबस उठाना है और इन सारे टॉपिक्स को डिटेल्ड में कवर करना है। बहुत ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस देनी है फाइनेंस को। अब रीजन बीइंग इंपॉर्टेंस क्यों देनी है, देखो रीजन बीइंग क्योंकि जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे फाइनेंस से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ेंगे फाइनेंस से रिलेटेड, जब तक हमें बेसिक नॉलेज नहीं होगी फाइनेंस की, थोरो नॉलेज नहीं होगी, हमें उन्हें स्कीम्स पढ़ने में मुश्किल होगी। या अगर हम IFPSA में जाएंगे, हम आप सबको पता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी है, तो जो उनकी स्कीम्स होंगे, जो उनके एक्ट्स होंगे, वहां पे कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज आएंगी, जार्गन आएंगे, जिनको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस हमें डिटेल में कवर करना है, चाहे फर्स्ट टाइम है, चाहे आरबीआई सेबी है। आरबीआई वालों ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में कवर किया होता है, सेबी वालों ने भी करा होता है आपको थोड़ा, और जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको पूरा आरबीआई का सिलेबस उठा के करना है, ठीक? और इसी में हमारा फाइनेंस में याद रखना है, फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स एंड करंट गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू फाइनेंस भी थोरो में थोरोली कवर करनी है, ठीक? ये हो गया हमारा फेज 1 पेपर 2 की बात। अब इसमें एक चीज याद रखना है, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो भी हमने बात करे फेज पेपर 2 के, वो ऑलरेडी हमारे फेज 2 में नहीं आने वाले, एंड फेज 1 हमारा क्वालिफाइंग है। जैसे मैंने भी डिस्कस किया, पेपर 1 में आपको लेके आने हैं सिर्फ 30%, पेपर 2 में लेके आने हैं 40%, और एक चीज और याद रख लेना भाई, ओवरऑल लिमिट भी 40% की है। मींस आपको या तो इस एग्जाम में, या तो इस एग्जाम में, या तो इसमें किसी एक में ज्यादा मार्क्स लेके आने होंगे, किसी एक में 10% मार्क्स ज्यादा लेके आने पड़ेंगे या 5% मार्क्स ज्यादा लेके आने पड़ेंगे। तो ओवरऑल लिमिट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना जब भी आप मॉक्स वगैरह प्रैक्टिस करोगे, ठीक? जब आप एक सेफ स्कोर में पहुंच जाओ तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2। अब फेज 2 की बात कर लें, फेज 2 में भी हमारे दो पेपर्स हैं, फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड सेकंड पेपर इज MCQ बेस्ड। फेज 2 के पेपर 1 की बात कर लूं तो आरबीआई सभी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट जो एग्जाम दे चुके हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको तो ये इजिली हो जाएगा, वो सीधा फेज 1 के बाद भी उठा सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं या जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कम करी हुई है, वो अभी क्या कर सकते हैं, वो वीकली बेसिस पे आंसर प्रैक्टिस स्टार्ट जरूर करें, ठीक है? मैं कह रहा हूं जरूर करें, इग्नोर नहीं करना इस एस्पेक्ट को, ठीक? ये तो हो गया पेपर 1 की बात, दैट वाज ऑफ फेज 2। अब
फेज टू का पेपर टू आता है। ये हमारे 50 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू बेस्ड, राइट। तो सबसे पहला हमारे पास आता है यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो जो आरबीआई एस्पिरेंट्स हैं वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बचे सेबी वाले एंड जो फर्स्ट टाइमर्स हैं। अब इस चीज को भी हमें डिटेल्ड में कवर करना है एग्जाम के लिए, क्योंकि फेज टू का पार्ट है तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं। प्लस हमें इसे फेज वन में ही कवर कर लेना है ताकि करंट अफेयर्स या स्कीम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हमारे यहाँ पे इजिली कवर हो जाएंगे, ठीक। सो फेज सेबी और फेज वन फर्स्ट टाइमर्स को ये हमारा टॉपिक पहले से ही कवर कर लेना है स्कीम्स में या यूनियन बजट या फिर इकोनॉमिक सर्वे में। हमें ये नहीं वेट करना कि हमारा फेज वन कंप्लीट होगा उसके बाद हम ये करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स या फिर कुछ स्कीम्स होंगी जो लिंक हो रही होंगी तो वो आपकी हेल्पफुल हो जाएगी महीन पे, ठीक। फिर आता है हमारे पास, और आरबीआई वाले स्टूडेंट ये मत सोचना सब आता है आपको, रिविजन करनी बहुत जरूरी है भाई, राइट। फिर आता है हमारे पास पेपर टू में बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट। अब ये चीज ध्यान रखनी है, चाहे आरबीआई सेबी या फर्स्ट टाइमर, सबको याद रखनी है ये कि ये टॉपिक जब भी हम फाइनेंस रिवाइज करेंगे, फाइनेंस पढ़ेंगे, अभी फेज वन के पेपर टू में हमने फाइनेंस कवर किया था डिटेल में, तो इन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस रखना है और ज्यादा डिटेल में कवर करना है हमें पेपर वन के अंडर ही, राइट। तो पेपर वन की जब हम प्रिपरेशन कर रहे होंगे फाइनेंस की, तो वही साथ साथ हम बैंकिंग को और कैपिटल मार्केट्स को कवर कर लेंगे डिटेल में, ठीक, ताकि हमें फेज टू का वेट ना करना पड़े, राइट। ये हो जाएगा हमारा, ये याद रखते हैं ना, यहां तक जो मैं टास्क बताए ये हमारे हैं फेज वन के पेपर से पहले तक के। फेज टू का भी हम थोड़ा बहुत सिलेबस पहले ही कवर कर रहे हैं। फिर आता है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा फेज वन के अंदर भी, जब आप फाइनेंस पढ़ोगे, करंट अफेयर्स पढ़ोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमें याद रखना है कि हमें बेसिक लेवल पे नहीं पढ़ना, फिर 40% स्कोर क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ना। हमें याद रखना है जब हम ये टॉपिक्स आएंगे हमारे सामने, बैंकिंग होगा, कैपिटल मार्केट होगा, तो हमें उन्हें इन डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि फेज टू में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आते हैं हमारे पास इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स। ये हम छोड़ सकते हैं कि पेपर वन फेज वन जब कवर हो जाएगा उसके बाद के लिए। हाँ, अगर आपके फेज वन की प्रिपरेशन प्रॉपर हो रखी है और आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप इन टॉपिक्स को उठा सकते हो। और लास्ट आ जाता है हमारे पास जो आईएफएससी से रिलेटेड है, आईएफएससी एक्ट, बुलियन गिफ्ट सिटी, गिफ्ट आईएफएससी, आईएफएससी ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स, इनको आपको डिटेल में कवर करना है। बट पहले फोकस करना है कि आपका फेज वन का जो भी टॉपिक है वो आप अच्छे से क्रैक कर पा रहे हो, ये ना हो कि फेज वन ही क्वालिफाई नहीं हुआ और हम पेपर टू की प्रिपरेशन करते रह गए, राइट। तो फेज वन आप अच्छे से क्रैक कर पा रहे हो, उसके टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हो, उनके टॉपिक्स आपके कवर्ड हैं, तो आप अभी स्टार्ट कर सकते हो इन टॉपिक्स को, नहीं तो पहले उसको खत्म करो फिर इन टॉपिक्स पे आना, मतलब उसमें आप सेफर जोन में आ जाओ फिर इन टॉपिक्स पे आना, ठीक। नहीं तो फेज वन के बाद इसकी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने कोर्स में इनरोल्ड किया है वो ऑलरेडी आपके साथ टाइम टू टाइम ये इसके कंटेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, वो आपके साथ शेयर होती रहेगी, राइट। सो नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे सेल्फ स्टडी, अगर आप कर रहे हैं कि आप किसी कोर्स में एनरोल नहीं करना चाहते, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेल्फ, तो आप कौन कौन से सोर्सेज को रेफर कर सकते हो। क्योंकि कई स्टूडेंट्स में माइंड में आता है यार एक ही महीना पढ़ा है क्यों कोर्स खरीदना, खुद पढ़ लेते हैं, या उन्होंने ऑलरेडी कई उन्होंने कोर्सेज ले रखे होते हैं बहुत सारे, जैसे आरबीआई सभी वगैरह के लिए, तो वो एक सप्लीमेंट्री कोर्स नहीं लेना चाह रहे होते आईएफएससी के लिए, तो वो सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी यूट्यूब चैनल्स को रेफर कर सकते हैं, कौन कौन सी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, कौन कौन से बुक्स को रेफर कर सकते हैं, वो डिटेल मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।